रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर्स में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस किया था। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं जो कि नेचुरली हमारे पास प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो सैकराइड्स बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कि सैक्रोन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है शुगर। कि ये इनकी जो नेचर होती है वो शुगर होती है, शुगर टाइप्स होती है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करने की, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होंगे, या फिर हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलेंगे। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे। एल्डिहाइड्स, सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हाइड्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहेंगे। नेक्स्ट हमने देखा है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। और कीटोन्स ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहेंगे कीटोन। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास इसका जो फार्मूला होगा वो CX into H2O Y, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में जो H2O का H2O इसकी जो रेशियो होगी वो बिल्कुल सेम एज वाटर के बराबर होगी। जितनी वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो होती है, उतनी ही रेशियो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में होगी। तो इस वजह से हम इनको कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो X और Y है ये हमारे पास वेरी करते हैं, ये डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करें ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जिसमें एक शुगर प्रेजेंट होगी, उसको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। और मोनोसैकेराइड्स की ये हमारे पास खासियत होती है कि जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें ATP देते हैं। तो ATP हमारे जो सेलुलर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ग्लूकोज काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इसके अलावा सेलुलोज, कैरेटिन, पेक्टिन, हेमी सेलुलोज, ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम सेलुलोज की बात करें तो ये हमारे पास सेल वाल में प्रेजेंट होता है प्लांट्स की। कैरेटिन जो एक्सोस्केलेटन होता है बहुत सारे इंसेक्ट्स का। पेक्टिन की बात करें, पेक्टिन हमारे पास जो सेल वाल का मिडिल लैमिला होता है उसमें प्रेजेंट होता है। और हेमी सेलुलोज भी हमारे पास सेल वाल में, प्लांट की सेल वाल में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इस बुक में एक और टर्म यूज़ हुई है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, और जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करता है, उसके नतीजे में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज और लिपिड की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। ग्लूकोज और लिपिड जब मिलते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स बनता है। और अगर हम ग्लूकोज और प्रोटीन्स को देखें, जब मिलेंगे आपस में तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनेंगे। ये दोनों हमारे पास डिफरेंट हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन होगा। अब ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स बन रही हैं तो इनको कोई काम नहीं होगा, नहीं। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, अगर हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉर्म करने में रोल प्ले करते हैं। ये जितने भी हमारे पास नेचुरली अकरिंग है ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। सेलुलोज हो जाए, कैरेटिन, पेक्टिन, ये जितने भी हैं ये हमारे पास क्या हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास तीन ग्रुप्स आते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास मोनोसैकेराइड्स से ज़्यादा होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास थाउजेंड ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट होती हैं।
आज के लेक्चर में हमने सैकराइड्स को कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा है उसकी क्लासिफिकेशन को, उसके जितने नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स को और डिफरेंट हमने उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी उनको स्टडी किया है। अल्लाह हाफिज़।